सहारनपुर घंटाघर पर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, आज जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा एवं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में सभी पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण घंटाघर हनुमान मंदिर के निकट एकत्रित हुए, जहां पर सभी कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया और पकौड़े तल कर बेचे गए। इस दौरान सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और वो उसको रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस 7 साल में रोजगार को खत्म करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जब सरकार आएगी तो हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की तो बहुत दूर की बात है। 8 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुका है और आप देख लिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में खड़ा किया था आज उसको बेचा जा रहा है। धीरे धीरे रोजगार को खत्म किया जा रहा है और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको धीरे धीरे बेचा जा रहा है। तो ये देश इतना बेरोजगार हो चुका है। आज कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे महानगर अध्यक्ष, सभी हमारे फ्रंटल संघर्ष सेवा दल के अध्यक्ष, सभी कांग्रेस जन आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं और पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया पकौड़े तल लो उसके भी रोजगार मिल जाएगा। जिन लोगों ने इंजीनियर की डिग्री ली है, जिन लोगों ने डॉक्टर की डिग्री ली है, क्या वो पकौड़े तलेंगे? अगर आप उनको रोजगार नहीं देंगे, आप इंजीनियर को रोजगार नहीं देंगे, तो वो पकौड़े तल कर अपना पेट भरेगा। जिन लोगों ने पैसे लगाकर, जिनके माँ बाप ने उन्हें डिग्रियां दिलाई है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तलकर हाथ भी नहीं बनिए। तो इस देश को उन्होंने बेरोजगारी की चरम सीमा पर ला दिया है और महंगाई जो कि चरम सीमा पर है, जो कहते थे कि 70 साल में देश ने लूटने का काम किया, 70 साल में भी गैस सिलेंडर 400 रुपए था। प्रधानमंत्री सत्तर साल में पेट्रोल डीजल की कीमत 55 और 60 रुपए थी, आज 100 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत है और गैस का सिलेंडर लगभग 1100 रुपए हो गया है। अगर इनके हाथ में और दिनों के देश रहा तो ये देश को बेचकर खा जाएंगे और यहाँ लोग किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री जी रोजगार दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाने का काम करते हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। आज के कांग्रेस जन पकौड़ा तलकर उनका बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम करें। मैं नितिन शर्मा, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहारनपुर। कल हमने एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसमें आप सब लोग उपस्थित थे और वो प्रेस वार्ता आज के प्रोग्राम को लेकर थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, उस जन्मदिवस को हम बेरोजगार दिवस के रूप में पूरी यूथ कांग्रेस सबके साथ मिलकर पूरे देश भर में मनाने का काम कर रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।